एंडेवर वगैरह तो इसके सामने फॉर्च्यूनर वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, उनकी कुछ सर्विस कॉस्ट नहीं है जो इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट आती है। इसलिए सफारी का देखो लुक अब भी कहीं ना कहीं यही गाड़ी प्रोवाइड करती है। और अरे भाई 1 लाख से ऊपर, और भाई आज भी देख लो गाड़ी मतलब चले जा रही है। टाटा भी कुछ इंजन देता था भाई अपने पहले के टाइम में, आपने टाटा की गाड़ी ले रखी है और अलॉय व्हील्स आपने थार के लगवा रखे, मैटर क्या है ये? मैटर कुछ नहीं है बस। तो राम राम भाई, सारे भाई ने उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया, कभी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं भाई तुम्हारे भाई को। तो आज लेकर आया हूँ भाई आपके लिए बहुत ही स्पेशल गाड़ी, लेजेंडरी गाड़ी द टाटा सफारी डाइकोर, अपने टाइम की भाई बहुत ही मानी जानी गाड़ी थी ये, और आज भी भाई लोग इसे इतना पसंद करते हैं। और जिन भाई की गाड़ी है उनसे मिलाता हूँ पहले आपको। तो भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। भाई अपना नाम बता दो। अर्पित। अर्पित भाई का नाम है। और भैया कब ली थी गाड़ी आपने? भैया ये मैंने 1 साल पहले ली थी। अच्छा अच्छा मॉडल है 2012। यानी आपने सेकंड हैंड परचेज करी है गाड़ी? तो मतलब भैया सेकंड हैंड में देखो आप डाइकोर, मतलब ये टाटा सफारी डाइकोर की तरफ ही क्यों गए? भाई बचपन से यही पसंद थी, फर्स्ट चॉइस यही थी, फर्स्ट चॉइस यही थी। और भाई असली सफारी का देखो लुक अब भी कहीं ना कहीं यही गाड़ी प्रोवाइड करती है, और जो आज के टाइम में सफारी आ रही है उसे मैं सफारी मानता नहीं हूँ। भैया आपने आज के टाइम की सफारी देखी है गाड़ी? हाँ देखी है, पर इस जैसी बात है ही नहीं। इस जैसा लुक तो गाड़ी में भाई आता ही नहीं है, सफारी में वो सफारी सफारी है ही नहीं। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी होकर दी है, रियर व्हील ड्राइव आती थी। तो भैया 4x4 है या नॉर्मल है? नॉर्मल वेरिएंट है भाई, और ब्लैक कलर में देख लो कितनी बेहतरीन लगती है। और हाँ ब्लैक कलर में ना भाई ये गाड़ी बहुत कम अवेलेबल हो पाती है, मतलब ब्लैक कलर तो ऐसा है मतलब अगर कहीं पे ये खड़ी है ना और कोई बेक रहा तो आदमी एकदम पकड़ लेता है गाड़ी को, छोड़ता नहीं, क्योंकि भाई गाड़ी इतनी बेस्ट है। तो भैया ये बताओ इसमें मतलब आपने कुछ काम करा रखा अभी? हाँ भाई इसमें अलॉय लगवाए थे थार के। थार के तो भैया इसमें थार के अलॉय लगवा रखे हैं, सत्र के टायर है, थार के अलॉय है, थार के अलॉय लगवा रखे, और भाई काफी ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर रही है भाई थार के अलॉय लगे हुए सफारी पे। तो भैया मतलब आपने टाटा की गाड़ी ले रखी है और अलॉय व्हील्स आपने थार के लगवा रखे, मैटर क्या है ये? मैटर कुछ नहीं है, बस हमें अलॉय अच्छे लग रहे थे। अच्छा अच्छा तो इसमें अलॉय तो पहले भी आते होंगे जब आपने सेकंड हैंड ली होगी? नहीं इसमें नहीं थे, हमने अलग से लगाए। अच्छा नॉर्मल स्टील रिम आते थे इसमें। और भाई देख लो फ्रेम में पीछे स्कॉर्पियो भी खड़ी और सफारी भी खड़ी। आप भाई कमेंट में बता देना कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। भाई पर्सनली तो मुझे ये बहुत बेहतरीन लग रही है क्योंकि काफी बल्कि बल्कि गाड़ी है, और भाई ने जेड ब्लैक भी करा रखी। मैं रिकमेंड नहीं करता बाकी भाई जिसमें दम है वो करा लो, या नहीं जिसमें दम है भाई वो करा लो, भाई ने जेड ब्लैक करा के चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया ये बताओ ये गाड़ी एवरेज क्या दे देती है? एवरेज भाई 10 के आसपास का एवरेज, 10 के आसपास का एवरेज। एवरेज पे इसके ध्यान तो देना नहीं, शौक की चीज है। हाँ भैया ये बात तो है, देखो शौक की चीज है, और भाई इतनी बड़ी गाड़ी ले ली उसमें एवरेज तो क्या ही देखना। इसमें भी एक बहुत यूनिक चीज लगवा रखी है भाई ने, जो UP15 गाड़ी में कंपलसरी चीज होती है भाई, वो क्या है भाई बजा के दिखा दो इन्हें एक बार फटाफट। अरे वाह यार क्या ही शानदार भाई, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है भाई। इसमें कितनी बाल्टी लगवा रखी है आपने? दो बाल्टी लग रही है भाई गाड़ी में। और कितने रुपए की लगवाई थी? लगभग 1 बाल्टी पड़ी है इसकी 3,000 रुपए की, दोनों बाल्टी पड़ी है इसकी 7,000 रुपए की। और भाई साउंड भी काफी बढ़िया आ रही है, अहूजा की लगवा रखी है क्या? हाँ भाई अहूजा की बाल्टी भाई बहुत बढ़िया साउंड देती है। और भैया बताओ इसे कहीं अभी ट्रिप वगैरह पे लेके गए हो? नहीं अभी तो कहीं नहीं गए, फिलहाल अभी लोकल में ही चल रही है, बट अभी हाल फिलहाल में ट्रिप का बन रहा है प्लान, जा भी सकते हैं भाई। इस गाड़ी को ट्रिप पे ले जाना है इस गाड़ी को तो भाई कंपलसरी है, क्योंकि गाड़ी ऐसी है भैया। इससे लद्दाख वद्दाख करो यार, लद्दाख का ही ट्रिप बनाएंगे, और लद्दाख में तो ये गाड़ी दिखती भी बहुत कम है भाई। आर्मी इस मतलब आर्मी के लिए स्पेशली टाटा आज भी इसे मैन्युफैक्चर करता है। नई वाली सफारी तो भैया आपने देखी होगी जो आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर होती है, इंजन में बहुत फर्क है, और उसकी मतलब कंट्रोल स्टेबिलिटी वगैरह और उसकी बॉडी बॉडी बिल्डिंग वगैरह मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से बना रखी है। ऐसे ही जो सबसे बेस्ट रहा है इसी के मॉडल का भाई, वो तो देखो ये बात है। ये गाड़ी तो खैर, अगर भैया एक चीज बताओ आज भी अगर ये गाड़ी टाटा ने रिलॉन्च कर दी और इंडियन मार्केट में गाड़ी दोबारा आ गई, आप लोगे इस गाड़ी को? बिल्कुल लेंगे, अगर लगेंगे सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें तो। भाई ये बात तो है, मैं एक बार आपको इसका इंटीरियर चेकआउट करा देता हूँ कि गाड़ी देखो सफारी कैसी लगती थी। तो ये देखो भाई कितना ही हैवी भाई, बहुत हैवी गेट है भाई टाटा की, यही तो बात है। थर्ड साउंड देख लो, और ये देख लो भाई कितना बेहतरीन इंटीरियर लग रहा है गाड़ी का। भाई आफ्टर मार्केट लगवा रखी है क्या? हाँ भाई जिससे ली थी उसी ने लगवा के। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि भैया ये तो देखो कंपनी तो ये देती है नहीं, बाकी देख लो भाई ये पूरा 5 स्पेयर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है ऑटोमेटिक वगैरह का, भाई मुझे इसमें पता नहीं, बाकी ये 4x2 गाड़ी, और पीछे से आप चेकआउट कर सकते हो काफी बढ़िया गाड़ी है। तो भैया कंफर्ट वगैरह आपको इसमें कमी लगती है? सही लगता है भाई, बहुत बढ़िया कंफर्ट है, कभी कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती, सुबह से शाम तक हम इसे चला लेते हैं बिना थके। अच्छा अच्छा, और बाकी भाई इसका चेक कर लो कुछ ऐसा भाई, इसका गाड़ी का मीटर वगैरह आता था जो टाटा आपको ऑफर करती थी, बाकी ऐसे स्टीयरिंग वगैरह आता था। तो भाई यही सब कुछ था इस सफारी में जो कि मैंने आपको बता दिया, भैया ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। तो भैया और कुछ भी करा रखा है गाड़ी में या सिर्फ जेड ब्लैक अलॉय वगैरह और रूटर वगैरह ही लगा रखे? म्यूजिक सिस्टम में कोई काम नहीं करा रखा? नहीं म्यूजिक सिस्टम में कोई काम नहीं, मतलब कंपनी मतलब जो शुरू से आया था वही लगा हुआ है इसमें, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया बसता है बढ़िया। तो भाई गाड़ी से आ गया हूँ बाहर, और एक बार ना आपको इसके इंजन की आवाज सुना देता हूँ। तो भाई एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दो इन्हें कैसी आवाज आती है इंजन में। भाई देख लो
ये बेहतरीन आवाज आ रही भाई ने, आफ्टर मार्केट करवा रखा है, आवाज लगवा रखी है। मजा कर रहा हूँ भाई, फैन बेल्ट की आवाज है। देखो जब गाड़ी पुरानी आती है तो थोड़ी बहुत आवाज वगैरह तो आती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट तो तुम्हें बता सफारी की बहुत हाई है। अब बात कर लेते हैं जरा भाई से इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि सफारी एक ऐसी गाड़ी है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट भाई बहुत ज्यादा हाई रहता है। एंडेवर वगैरह तो इसके सामने, फॉर्च्यूनर वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, उनकी कुछ सर्विस कॉस्ट नहीं है जो इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट आती है। तो भैया एक बार बता दो इसकी क्या कुछ सर्विस कॉस्ट आती है गाड़ी की? सर्विस कॉस्ट भाई इसकी लगभग 8 से 10 हजार, वही एयर फिल्टर, सिंथेटिक ऑयल। हाँ भाई ये तो देखो ये तो नेसेसरी चीज है भाई, ये तो गाड़ी में चेंज करानी होती। और लगभग कितने हजार किलोमीटर चल गई ये गाड़ी कुछ अंदाजा? भाई 1 लाख से ऊपर चल चुकी। 1 लाख से ऊपर, और भाई आज भी देख लो गाड़ी मतलब चले जा रही है। टाटा भी कुछ इंजन देता था भाई अपने पहले के टाइम में, बेहतरीन इंजन। और भैया कुछ दिक्कत आ रही है अब तक 1 लाख चलाने में? कोई दिक्कत नहीं, सब बेहतरीन है, जैसा पहले से चलता था ऐसे चले। चलो तो भैया, भैया को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बाकी मैंने सर्विस वगैरह मेंटेनेंस और एवरेज वगैरह से सारी चीज आपको बताई दी। और मतलब ओल्ड सफारी अगर कोई लेना चाहता आज के टाइम में तो उसे आप प्रेफर करोगे कि भाई सफारी ले लो अगर मिल रही है? भाई अगर मन है, शौक है तो बिल्कुल ले लो। शौक है तो भाई बिल्कुल ले लो। वैसे भाई ने भी शौक के बेसिस पे ये गाड़ी ली है, और भाई लुक इतना बेहतरीन है, बार बार यार मैं इसके लुक पे आ रहा हूँ क्योंकि यार लगती इतनी गैंगस्टर ऐसी हुई है। और भाई इसके पब्लिक रिएक्शन कैसे आते हैं? पब्लिक रिएक्शन तो हमने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया, पर काफी जब मार्केट वगैरह में से निकलते हो तो देखते होंगे लोग, लड़कियां खास कर नोटिस करती होंगी। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो भाई यही सब कुछ था इस गाड़ी के साथ। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को करना है लाइक, वीडियो करना है सब्सक्राइब। तो चलो मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय श्री राम।